हरे कृष्ण माताजी, हरे नो कृष्ण। प्रभु प्रभु जी विल डू, या माताजी प्रभु जी विल डू मंगलाचरण एंड अदर्स एवरीथिंग। ओके प्रभु जी, आई हैंड ओवर यस टू यू श्रीमद् भागवतम चैप्टर वन, कैंटो वन चैप्टर 18 टेक्स्ट 29। हरे कृष्ण, ओवर टू यू प्रभु जी। हरे कृष्ण हरि बोल, हरे कृष्ण लोग बहुत धन्यवाद जो हमें निमंत्रित किए हैं कुछ भगवत कथा के लिए। यद्यपि श्रीमद् भागवतम हम लोग सुबह लेते हैं, लेकिन दिशकाल पात्र के अनुसार इसको कभी भी पाठ किया जा सकता है। तो हम लोग इस पाठ को प्रारंभ करते हैं और स्कंध 1 अध्याय 18 श्लोक संख्या 29 से हम लोग प्रारंभ करते हैं और एक दो श्लोक देखेंगे, शायद हो सकता है तो तीसरा श्लोक भी देखेंगे, 3 श्लोक आज, क्योंकि उन दो में ज्यादा आचार्यों का टीका नहीं है। श्री प्रभुपाद महाराज जी की कुछ टिप्पणी है, उनके ऊपर हम चर्चा करते हुए निकलेंगे। तो आइए हम लोग पाठ कर शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् तदुजयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। तो श्लोक संख्या 29, अभूतपूर्व सहसा क्षुत्तुडाभ्याम ब्राह्मण प्रत्य अभूत ब्रह्मण मत्सरो मंदिरे गच्छ। मूल श्लोक है, श्री प्रभुपाद महाराज के शब्दार्थ इस प्रकार दिए गए हैं। अभूतपूर्व जो पहले कभी नहीं हुआ हो, सहसा एकाएक क्षुत भूख से, त्रिडाभ्याम प्यास से, अर्दिता पीड़ित होकर, आत्मनः अपने आप को ब्राह्मणम ब्राह्मण के प्रति, उनके प्रति अभूत हो गए। ब्राह्मण हे ब्राह्मणों, मत्सरः ईर्ष्यालु मन्यु क्रोधित होकर एवं इस प्रकार च तथा। तो प्रभुपाद जी का यहाँ पर अनुवाद तात्पर्य है, उनका पाठ कर लेते हैं। ब्राह्मणों, ब्राह्मण मुनि के प्रति राजा का क्रोध तथा द्वेष अभूतपूर्व था, क्योंकि परिस्थितियों ने उन्हें भूखे तथा प्यासे बना दिए थे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि महाराज परीक्षित जैसे राजा के लिए एक मुनि तथा ब्राह्मण परिस्तर क्रुद्ध या देशपूर्ण होना निस्संदेह अभूतपूर्व था। राजा बड़ी बात ही जानते थे कि ब्राह्मण साधु बालक स्त्रियां तथा वृद्ध पुरुष दंड के दायरे से बाहर होते हैं। इस प्रकार राजा भले ही भयंकर भूल क्यों न करे, कभी गुनहगार नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ पर महाराज परीक्षित भगवान की इच्छा से अपनी भूख तथा प्यास के कारण मुनि पर क्रुद्ध हो गए। राजा का अपनी प्रजा को अपना सत्कार न होने या अपनी उपेक्षा करने के लिए दंड देना ठीक था, लेकिन चूंकि दोषी एक मुनि थे, अतः यह अद्भुतपूर्व घटना थी, यह अभूतपूर्व घटना थी। जिस तरह भगवान किसी से ईर्ष्या नहीं करते, उसी तरह भगवत भक्त भी कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता। महाराज परीक्षित ने इस आचरण की
एकमात्र सफाई यही है कि भगवान द्वारा ऐसा पूर्व नियोजित था। ज्ञानंजन श्री चैतन्य मनोविष्णु स्थापित भूतने स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम वंदेहम श्रीगुरौ श्रितपटकमलम श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधितं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुनदीनितारिणम् श्रीचैतन्येश्वरं जयतांस्मृतपङ्गोदमममन्दपतिर्गति मत्सर्वस्य पराम्भोजो श्रीराधामदनमोहन् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आप सब लोग का स्वागत है। कृष्ण भावनामृत संघ के इस एल्डर शाखा की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में जैसे आप लोग पढ़ते आ रहे हैं उसके अनुसार हम लोग जाए तो देखिए ये जो 11वां अध्याय 12वां है उनके 2 नंबर श्लोक में सौनक जी सुत जी के प्रति कुछ जिज्ञासा करते हैं। उसमें कहते हैं तस्य जन्म महाबुद्धि कर्माणि च महात्मना अनिधनम च यथेव आसीत् सप्रत्य गतवान यथा। उन्होंने पूछा किया क्यों महाबुद्धिमान सुत जी उन परीक्षित महाराज के जन्म अत्यंत आश्चर्यजनक है क्योंकि माता के गर्भ में लगभग मृत प्राय हो गए थे। जैसे पहले श्लोक में ये लोग कहते हैं कि वो मरे हुए व्यक्ति ने कैसे जन्म लिया, इसके अगले श्लोक में ही बताया गया है। और कर्माणिच्च महात्मना और उनके कर्म कितने अद्भुत हैं इसके विषय में बताइए। निधनम च यथेवासित और न केवल जन्म और कर्म लेकिन उन परीक्षित महाराज के मृत्यु भी आश्चर्यजनक है। इनके तीनों कार्य आश्चर्यजनक है। अतः कहते और एक बात पूछते कि प्रेत्य गतवान और उनकी गति के विषय में भी बताइए कि उन्होंने कौन सी गति प्राप्त किया। बहुत सुंदर प्रश्न का उत्तर देते हुए उन सुखदेव गोस्वामी पाद उन महाराज परीक्षित का जन्म से लेकर के जैसे आप श्रवण करते आ रहे हैं उनकी गुणावली को और इस 29वें श्लोक में जो उन्होंने एक ऋषि का अपराध किया उन अपराध के विषय में चर्चा है। इसमें ये चर्चा की गई है कि वो भूख प्यास से अत्यंत विचलित थे। लेकिन संसार में व्यक्ति सुखी नहीं रहता है, नाना प्रकार की चिंता उसे वो ग्रसित रहते हैं। लेकिन जब खान पान सामने आता है
तो उसी समय व्यक्ति कुछ सुख का अनुभव करता है, बाकी तो मरना है इस संसार में। नाना प्रकार की चिंता अनेक प्रकार से व्यक्ति के साथ जो कर्म होते हैं, तो ये कर्म के करने के कारण व्यक्ति अत्यंत चिंतित रहता है या कभी अतिशय हर्ष में रहता है। लेकिन सुख तो उनको खान पान के समय ही मिलता है। तो महाराज परीक्षित को ये जो भूख प्यास लगी हुई थी, इसके कारण कहते हैं कि पहले नहीं कभी भी उनके जीवन में घटी हुई घटना को आप सुनिए। सुत गोस्वामी पाद ये कहते हैं कि अभूतपूर्व सहसा, कभी उनके जीवन में देखा नहीं गया। भगवान के एक महान भक्त हैं महाराज परीक्षित, पूर्व में कभी ऐसा उनका आचरण नहीं रहा, लेकिन अचानक सहसा का अर्थ अचानक ब्राह्मणम प्रति अभूत ब्राह्मण मत्सरो मंदिर पहली बार जीवन में किसी ब्राह्मण के ऊपर उनको उनका उत्कर्ष सहन नहीं हुआ। मत्सर का अर्थ दूसरे के उत्कर्ष को, दूसरे की प्रगति को सहन नहीं करना संसार में। जो सामान्य मनुष्य के चित्त में उत्पन्न होता है, दूसरा कोई प्रगति करता है, तो इसके कारण उनके चित्त में एक भाव उत्पन्न होता है, वो ईर्ष्या का भाव है, उसको मत्सर्य बोलते हैं। तो कहते हैं उन मत्सर्य उन ब्राह्मणम प्रति अभूत, उन ब्राह्मण के प्रति उनके चित्त में ईर्ष्या उत्पन्न हुई है, जो कभी नहीं होता है। इसलिए कहते हैं अभूतपूर्व, ये अचानक हो गया है। देखिए कुछ अचानक बातें होने में, कुछ स्वभाव होने में ये अंतर है। जैसे हम सब बद्ध जीवों का स्वभाव है कि हम लोग दूसरे के उत्कर्ष को सहन नहीं कर पाते हैं, दूसरे की प्रगति देख करके स्वाभाविक हमारे चित्त में एक जलन उत्पन्न होती है, हम कुड़ते रहते हैं उनके प्रति। ये हमारा स्वभाव, मायागत जीव का स्वभाव है, लेकिन ये भगवान के भक्त है, इसलिए लिखा गया अभूतपूर्व। अभूतपूर्व उनके जीवन में कभी भी इस प्रकार का आचरण देखा नहीं गया, लेकिन अचानक उन ब्राह्मण के प्रति, ब्राह्मणम प्रति अभूत, ये ब्राह्मण के प्रति ये जो मत्सर उत्पन्न हुआ और उनके प्रति जो क्रोध उत्पन्न हुआ, ये महाराज परीक्षित के जीवन में पहली बार हुआ। इसी पर महाराज विचार करेंगे, वो आगे उन विचारों को दिया जाएगा, लेकिन तत्काल उन भूख और प्यास के कारण जो उनकी स्थिति एक विषम अवस्था हो गई, हम सब लोग जानते हैं। जब खान पान नहीं मिलता है तो व्यक्ति अपने ही व्यक्तियों के प्रति अनेक प्रकार से क्रोधित होते हैं, ये देखा गया है। लेकिन महाराज परीक्षित की एक भिन्न अवस्था, भगवान के महान भक्त है, उनके चित्त में नहीं होना चाहिए। इसके लिए अभूतपूर्व लिखा है हमारे आचार्य जीव गोस्वामी पाद ने, कुछ टीका नहीं दिया, लेकिन विश्वनाथ अग्रणी ठाकुर ने अपनी टीका में इसके विषय में केवल यही लिखा है कि भूख प्यास अर्दित आत्मन, या भूख तुट अर्दित आत्मन, प्यास और भूख के कारण उनकी स्थिति ऐसी हुई। यद्यपि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर 31 नंबर श्लोक की टीका में बहुत सुंदर विवरण करते हैं इन सारी बातों का, लेकिन ये सडनली जो घटना घटी उनके जीवन में, उनके लिए भूख
और प्यास कारण रख रहे हैं। श्रील प्रभुपाद महाराज जैसे कल मैं इस बात को थोड़ा समझा रहा था, तो श्रील प्रभुपाद महाराज इसके ऊपर अपने तात्पर्य में यही लिखे हैं। उन्होंने लिखा कि देखिए वो राजा उन सत्कार नहीं होना, ये वस्तु तो उनकी प्रजा के लिए ठीक आचरण नहीं, लेकिन ऐसा किस अवस्था में हुआ था और किसके द्वारा हुआ था? एक ब्राह्मण के द्वारा, और वो भी समाधिस्थ उनकी दशा थी। हरिधर महाराज अत्यंत भूख प्यास से वो छटपटा रहे थे। इन दोनों का कारण बताते हुए वो कहते हैं कि परीक्षित के इस आचरण की एकमात्र सफाई यही है कि भगवान द्वारा ऐसा पूर्व नियोजित था। देखिए ये जो मत्सर शब्द आया है ना, उसके ऊपर हम थोड़ा विचार करके आगे के श्लोक में निकलते हैं, क्योंकि जहां हमारे आचार्य कुछ ज्यादा टीका नहीं करते हैं तो उसमें हम लोग भी ज्यादा टीका टिप्पणी हमारे लिए करना उचित नहीं है। तो वो कहते हैं कि फिर भी मत्सर, तो जो ईर्ष्या उत्पन्न होती है या दूसरे के उत्कर्ष को व्यक्ति सहन नहीं कर पाता है, उसके विषय में श्रीमद् भागवतम में उन पहले स्कंद में वेदव्यास महाराज ने श्रीमद् भागवतम का महिमा बताते हुए एक श्लोक की रचना की है और उन्होंने रखा है, धर्म प्रोजित कैतु अत निर्मत्साराम सताम। कहते हैं इसे श्रीमद् भागवतम से समस्त कैतु धर्म को निकाल दिया गया है, क्योंकि ये निर्मत्सर व्यक्तियों के लिए श्रीमद् भागवतम है। और यहां हम देखते हैं किसी परीक्षित महाराज के चित्त में मत्सर उत्पन्न हुआ, ये दोनों असंगत विषय है, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं हम लोग। जैसे एक भक्त के चित्त में किसी के प्रति मात्सर्य भाव नहीं रहता है, सामान्य थोड़ी सी भक्ति करने पर भी हम लोग ये अनुभव करते हैं कि दूसरा कोई की प्रगति होती है तो हम लोग खुश होते हैं, ठीक है ये बढ़े उनकी प्रगति हो, है ना, ये स्वभाव बन जाता है भक्ति करते ही, ये निर्मत्सर स्वभाव आता है। और इसी स्वभाव बस हम सब लोग का चित्त भागवतम में प्रवेश करता है। थोड़ा कुछ भगवान का नाम लेने से व्यक्ति के चित्त निर्मल होने से वो किसी के उत्कर्ष को दबाना नहीं चाहते, उनके बढ़ने से वो खुश होते हैं, ये बहुत अच्छा सद्गुण है। और भागवतम में एंट्री लेने के लिए ये स्वभाव भक्तों के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए कदाचित भक्तों के चित्त में अगर मात्सर्य भाव आ जाए तो फिर वो भागवतम में उनका प्रवेश नहीं हो पाएगा, क्योंकि भागवतम निर्मत्सर व्यक्तियों के लिए लिखा गया है। निर्मत्सर व्यक्ति भागवत के अध्ययन से भक्ति को प्राप्त करेगा। यदि भी भागवतम का प्रवचन समाज में बहुत चलता है, खास करके भारतवर्ष में अनेक अनेक लोग भागवत कथा करते लेकिन उन कथा के माध्यम से उनको उन कथा का सार रूप
जो भगवान की भक्ति है उनके चित्त में ठहरती नहीं है। इसलिए भक्तों को चाहिए कि श्रीमद् भागवतम के बिना भक्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए जो अगर मात्सर्य युक्त स्वभाव थोड़ा भी बचा है भक्तों के चित्त में तो उनको निकाल देना चाहिए। लेकिन यहां जो मत्सरो मन्युल च लिखा है वो अभूतपूर्व लिखा है, सहसा अचानक ही हुआ है, पहले उनके जीवन में कभी ऐसा देखा नहीं गया, क्योंकि माता के गर्भ से जो भगवान के भक्त थे उनके जीवन में गलती कैसे हो सकती है, कभी नहीं। जैसे प्रहलाद कभी गलती नहीं किए, उसी प्रकार परीक्षित कभी गलती नहीं करेंगे। इसका निराकरण जैसे प्रभुपाद जी ने शॉर्ट में दिया है वो यही है कि एकमात्र शिव भगवान की ये पूरी योजना थी। ठीक है, हम 30 नंबर श्लोक में निकलते हैं। सतु ब्रह्म ऋषिर कहते हैं, सतु ब्रह्म ऋषिर अंशिर गता सुम उर्गम अरुषा वि निर्गच्छन निर्गच्छन तनुष्य कोटिया निदाय पुरम आगत। महाराज परीक्षित ने क्या किया, उन ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न होने से और क्रोध उत्पन्न होने से उन्होंने क्या किया, इसको इस 30 नंबर श्लोक में लिखा गया है। अरुषा क्रोध के कारण व्यक्ति का विचार चला जाता है, ये तो सामान्य है। जब क्रोध के द्वारा हमारा चित्त ग्रसित हो जाता है तो तुरंत हमारे चित्त से विचार शक्ति नष्ट होती है, विचार शक्ति का नाश होता है। तो उन्होंने क्या किया, उन ब्राह्मण के कंधों पर माला के रूप में एक मरे हुए सर्प को डाल दिया, अपने धनुष के उन अगले हिस्से से एक धनुष लंबा करके उनके एक छोर से उठाया, सर्प मरा हुआ पड़ा था उनको उठाया और उठा करके उन्होंने उन ब्राह्मण के गले में जो ब्रह्मर्षि थे, ये ब्रह्मर्षि शब्द दिया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसके योग्य नहीं थे, लेकिन तिस पर भी उन्होंने मरे हुए असु रगम, रगम कहते हैं सर्प को, और कहते हैं असुम अर्थात जिन्होंने प्राण त्याग दिया था, ऐसे मुर्दा सर्प को लेकर के उनके गले में कंधों पर डाल दिया, निर्गच्छन और वो अनिदाय पुरम आगत, उनके गले में सर्प को डाला और फिर पुरम आगत उस जगह से तत्काल निकल गए। श्री विश्वनाथ गिरी ठाकुर इनके ऊपर कुछ टीका लिखे हैं, 29 नंबर पर छोटा सा टीका पाठ कर लेते हैं हम लोग। वो कहते हैं कि साप निमित्तम आह स इति, सॉरी धनुष कोटिया धनुर अग्रण निदायति हो ब्राह्मण। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती समझा रहे इसको कि उन्हें धनुष के एक कोने से या एक छोर से, एक छोर उनके हाथ में था, दूसरे छोर से उन्होंने मरे हुए सर्प को, क्योंकि मृत प्राणी के देह को स्पर्श नहीं करना चाहिए, उन्होंने धनुष लंबा करके उनको उठाया और उठा करके उनके गले में उन कंधों पर लपेट दिया माला की तरह। हो ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, त्वया अहम अतिथि यथा साधु सम्मानितस्तथा त्वया अपि अनया सुकुमार मालया सन्मानिया अशी इति भाव। ये भावना से
परीक्षित महाराज ने उनके गले में सर्प डाला। एक ब्राह्मण, तुमने जो तुम्हारे घर में आए हुए अतिथि, एक राजा है, फिर भी तुमने आतिथ्य सत्कार नहीं किया उनका और साधु व्यवहार किया, अतः तुमको भी मैं एक माला डाल रहा हूं। ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, लिखते हैं कि देखो, इसलिए ये सुकुमार माला तुम ग्रहण करो और इस प्रकार तुम भी असम्मान को प्राप्त करो। तुम मुझे अपमानित किया तो मैं भी तुमको अपमानित करूंगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अगले श्लोक में बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं, इसलिए इस श्लोक में उनका इतना ही तात्पर्य है। जैसे सामान्य मनुष्यों में जो बातचीत होती है कि आपने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया, नहीं, भगवत भक्त के लिए ठीक नहीं है। भूख प्यास और उधर एक समाधि, और भूख प्यास के कारण महाराज ने समझ लिया कि मेरी समाधि में स्थित है, इसलिए उनके द्वारा जो मेरा अपमान हुआ तो मैं भी उनका अपमान करूंगा। इसलिए रुष्ट होकर के वो डाल करके विचार नहीं किया तो उनके लिए भी निर्गत तुरंत वो वहां से चल दिए, पीछे मुड़ के देखा नहीं, अपूर्व आगत तो हस्तिनापुर में आ गए। वहां से कोई विचार किए बगैर वो आ गए। श्रील प्रभुपाद महाराज उसमें यही विचार दिए हैं कि महाराज परीक्षित का यह व्यवहार निश्चित रूप से अभूतपूर्व था, पहले नहीं हुआ था। उनकी जीवनी में आप देखेंगे इतना अध्याय बीच में गया, लेकिन महाराज परीक्षित के चरित्र में एक भी घटना इस प्रकार का नहीं हुआ। आप देखिए, कलयुग जैसे दुष्ट स्वभाव युक्त समय को भी उन्होंने क्षमा करते हुए माफ कर दिया, है ना? कैसे इतनी बड़ी गलती होगी? अब देखते भगवान की इच्छा से ही हुआ, श्री प्रभुपाद ने दोबारा लिखा इसमें। अतः हम लोग भी जीव संस्पाद की टीका ही नहीं है इसमें, इस श्लोकों के ऊपर, इससे हम विचार नहीं करेंगे इनके ऊपर ज्यादा। श्री प्रभुपाद का विचार मैंने रख दिया। अब आइए 31 नंबर में हम जाते हैं। एक किम निवृता अशेष करण मिलती क्षण मृषा समाधि आरोह स्तुकिम तत्किम नु क्षत्र बंधु भी। अब देखिए यहां पर बहुत सुंदर बातें लिखी है। परीक्षित महाराज पूर्व में आकर के सोचने लगे, उनकी सोच के विषय में शुद्ध गोसाई बात इस श्लोक को लिखते हैं। अच्छा ये बताइए कि शुद्ध गोसाई पाठ कैसे जान लेते हैं कि परीक्षित महाराज के चित्त में क्या चल रहा है? देखिए श्लोक तो स्पष्ट शुद्ध गोसाई पाठ के द्वारा उच्चारित है, पर निमिषैण के ऋषि मुनियों को ये कह रहे हैं कि ईश्वर किम निवृता अशेष करणों मिलित क्षण। क्या वो ब्राह्मण कहीं मृषा समाधि तो नहीं कर रहा था, या वास्तव में वो उनका चित्त ब्रह्म में स्थापित था? अभी विचार आया उनके चित्त में। अच्छा इस शुद्ध को सभी पद कैसे जान लिया इस बात को देखिए, वेदव्यास महाराज ने इसको लिपिबद्ध भागवतम कब किया, जिसमें और कहते सुत और निमिषैण के ऋषियों के बीच संवाद हुआ, उनके बाद में उन्होंने इस ग्रंथ को लिपिबद्ध किया श्रीमद् भागवतम को। आप थोड़ा समझिए इस बात को, मैं इस कारण से बता रहा हूं।
देखिए पहली कथा हुई, सुखदेव और महाराज परीक्षित के बीच में 7 दिन भागवतम 7 रात 7 दिन चला, और खूब विचार विमर्श पूर्वक ऋषि मुनि हजारों एकत्रित लाखों इस ब्रह्मांड भर के ऋषि मुनि, यहाँ तक कि वहां पर वेदव्यास महाराज भी उनको श्रवण करने के लिए बैठे हुए थे, और श्री नारद जी, ये दोनों उनको श्रवण करने के लिए बैठे थे। और वेदव्यास महाराज ने तिस पर भी भागवत तम को लिपिबद्ध नहीं किया। सुखदेव गोस्वामी अपनी ओर से नाना प्रकार का उपदेश और नाना प्रकार का निष्कर्ष निकाल करके फल के रूप में अनेक अनेक वस्तु का निरूपण किया। वेदव्यास महाराज को आनंद हुआ कि देखो मेरा पुत्र मेरी लिखी हुई बातों के ऊपर से तात्पर्य निकाल करके लोगों को क्या क्या जो काम की चीजें वो बता रहे, बहुत अच्छा। फिर भी लिपिबद्ध नहीं किया, वाई एक प्रश्न हो सकता है। अन्यथा इसमें सौनक सुख संवाद नहीं आता था, है कि नहीं? उसी टाइम लिख दिया होता था तो शुद्ध के स्वयं तो उस टाइम श्रवण कर रहे थे, और उस टाइम उन्होंने संकादिक ऋषि मुनियों के भागवतम नहीं सुनाया था। लेकिन इसमें सुख देखो, पहला पूरा स्कंध इसी बीच में चला है, दूसरे स्कंध में सुखदेव गोस्वामी पद की एंट्री वेदव्यास महाराज के द्वारा हुई है। ऐसा क्यों? क्योंकि वेदव्यास महाराज ने सोचा कि अभी भी ये संवाद लोगों के बीच में रखने जैसा नहीं है, यद्यपि पूर्ण रूप में बहुत सुंदर तरीके से, लेकिन लोग उनको नहीं समझ पाएंगे। जब शुद्ध गोस्वामी पाद निमिष्यानी के दुश्मनियों को समझाया और ये कथा उठाया, जिनमें से भागवतम शुरू हो रहा है, अपने भक्तों की कथा से भगवान की कथा निकलती है ना? वेदव्यास महाराज ने सोचा कि पहले भक्त का कथा रखा जाए, बाद में भागवतम भगवान की कथा तो बाद में आएगी। इसको सुखदेव सही बात कहती है कि मैं अभी आपको यह श्रवण कराता हूं कि जिसमें से भगवान की कथा निकलती है, उन पुण्य पांडवों का चरित्र मुझसे श्रवण करो। और उससे पूर्व वेदव्यास महाराज ने उन स्तुतियों को रखा इस ग्रंथ में जो एक लेडी के द्वारा हुई थी, एक स्त्री के द्वारा, कुंती महारानी, सबसे पहली स्तुति। और दूसरी स्तुति महाज्ञानी और एक महान योद्धा विष्णु पितामह के मुख से दूसरी स्तुति निकला। सब स्तुतियां इसमें अवश्य देनी चाहिए थी, कृष्णा ने फोन कर मुकुंद मुकुंद अरे मुकुंद अरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण अरे कुछ चाहिए था प्रभु मुकुंद जी? वो शायद रूम में हो गए। कृष्ण को फोन कर, फोन मुझे मत करे, उनको बोल कृष्णा को कि मैं क्लास ले रहा हूं भाई, कृष्णा को तुम बोल के मैं क्लास ले रहा हूं, इसमें फोन न करें।
हरे कृष्णा, हरि हरे बोल। कृष्णा, हरे बोल, हरि बोल हरे प्रभु जी। कृष्णा, आवाज आ रही है? हाँ जी प्रभु जी, आवाज आ रही है। यस जी। तो मैं कह रहा था कि ये शुद्ध संवाद जो रखा गया है वो क्यों रखा गया है इसमें, और शुद्ध गोस्वामी पाद कैसे परीक्षित महाराज के चित्त के जानकार है। देखिए, उन्होंने भागवतम श्रवण किया और भागवतम श्रवण करके परीक्षित चरित्र को उन्होंने बराबर चिंतन किया। एक भक्त के चरित्र का जो सुष्ट रूप में चिंतन कर सकता है वही श्री भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। हाँ, देखिए कई ऐसे भक्त हैं हमारे हरे कृष्ण मूवमेंट में जो ये लोग ये बताते हैं कि हम लोग केवल श्रील प्रभुपाद महाराज की जीवनी पाठ करके भक्त बन गए हैं। भक्तों का चरित्र पहले आना चाहिए। देखो, वेदव्यास महाराज ने भी एक महान भक्त पांडवों का चरित्र को सबसे पहले इसमें कहलवाया शुद्ध गोस्वामी पाद के मुख से। तो शुद्ध गोस्वामी पाद एक महान भक्त होने के कारण और सुखदेव गोस्वामी पाद के शिष्य होने के कारण ठीक उनकी तरह समस्त जीवों के चित्त के जानकार हो गए थे। एक भक्त दूसरे भक्त को चित्त के जानकार रहते ही है। और भक्ति के बल पर वो समस्त व्यक्तियों के चित्त के भी जानकार हो जाते हैं। भक्ति ऐसी महान वस्तु है, भक्त को भगवत सदृश बना देती है, भगवान के लगभग भगवान जैसी शक्ति भक्तों में आ जाती है। इसलिए यहाँ ये विचार दे रहे हैं कि लौटने पर वे सोचने लगे मन ही मन, या लौट कर पुरी में ये सोच रहे हैं कि क्या मुनि इंद्रियों को एकाग्र करके जो आंखें बंद करके वो सचमुच समाधि में थे या उनकी मृषा समाधि थी। क्योंकि किसने मृषा समाधि बोलते, मैं एक राजा हूं और ये कहते हमारा सत्कार से बचने के लिए इस समाधि का ढोंग कर रहे थे क्या। देखिए, शुद्ध गोस्वामी पाद का ये विचार है, यहाँ पर जो विचार है उन्होंने देख लिया महाराज के चित्त में क्या चल रहा और उन्होंने यह संकादिक ऋषि मुनियों को बताया। खैर, इसमें बहुत लंबी टीका है पिशाचक्रवर्ती ठाकुर की, हो सकता है आज हम नहीं ले पाएंगे पूरी, तो हम कल उनको पूर्ण करेंगे, लेकिन अवश्य इस टीका को हम लोग देखेंगे। अब मैं थोड़ा बहुत ले लेता हूँ क्योंकि 5-7 मिनट अभी भी 8 मिनट बाकी है। हाँ, मैं निश्चित आपके टाइम पे समाप्त कर दूंगा। कहते निर्गम समय राजा परामृशति एष इति। तो जैसे वो वहां से निर्गच्छन हुए हा? और सुत कहते पूर्व में आ गए, लेकिन बीच में उनका विचार क्या चला, सुत जी इस श्लोक में कहते हैं 31 में। इसलिए चक्रवर्ती ठाकुर के निर्गम ठाकुर लिखते हैं कि निर्गमन समय राजा परामर्शिति एष इति। वो अपने चित्त में परामर्श करने लगे कि ये जो मेरे द्वारा हुआ वो ठीक हुआ कि नहीं। इसलिए उन्होंने विचार किया कि एष किम निवृत्त अशेष कारणों मिलती क्षण। क्या उन्होंने समस्त इंद्रियों को जीत करके वो वास्तव में समाधिस्थ थे। पहला विचार उन्होंने ये किया कि निवृत्ता अशेष करण प्रत्याहत सर्व इंद्रिया अतः सत्य समाधि कह अहो स्मित। कहते अहो स्मिन ऋषिम समाधिस्थ हेतु किम नु इति। क्या वो निश्चित समाधि में थे, ये विचार कर रहे। सत्य
समाधि का, क्या वास्तव में वो समाधि में थे? अब विचार आ रहा है। देखिए विचार पहले आना चाहिए था। ये जो विचार है वो पहले आना चाहिए। हमको यहाँ उपदेश मिलता है कि जब कभी भी हमारे द्वारा कुछ अमर्ष या क्रोध उत्पन्न होता है तो सबसे पहले व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि मेरा क्रोध उचित है या उचित स्थान में हो रहा है। निर्मस्तर तो भक्त पहले से है, लेकिन क्रोध में आकर के जो बर्ताव होता है, मत्सरता तो हृदय में रहती है, ईर्ष्या का जो भाव है व्यक्त होता है क्रोध या निंदा के कारण। दूसरे की जब निंदा करने लगते हैं तब ये व्यक्त होता है। एक तो निंदा हो गई, दूसरा फिर क्रोध, फिर उस व्यक्ति के प्रति हमारा क्रोध मन में रहता है, व्यक्त नहीं होता है निंदा के समय। लेकिन यहां व्यक्ति इसलिए हो गया क्रोध क्योंकि देखिए इस सामने राजा के रूप में मैं खड़ा हूं और ये मेरी अवज्ञा कर रहे हैं। निंदा करने के लिए राजा के पास कोई नहीं था, एक ऋषि थे एक राजा थे, इससे निंदा तो नहीं हुई, लेकिन मन्यु क्रोध उत्पन्न हुआ। उस क्रोध के कारण विचार शक्ति नष्ट होती है। हम भक्तों को उपदेश ये लेना चाहिए कि क्रोध के पूर्व एक विचार होना चाहिए। पहले तो क्रोध आना ही नहीं चाहिए, अगर आता है तो एक विचार, थोड़ी देर रुक करके विचार करना चाहिए कि उचित है कि अनुचित है। क्रोध भी उचित है और भक्ति के लिए भी उचित है, आवश्यक है। तो देखिए ये विचार आएगा, जैसे प्रभुपाद जी कई बार क्रोध की और कई बार उनके द्वारा अनेक प्रकार की निंदा भी मुख से निकली, लेकिन वो माया की निंदा थी, व्यक्ति के स्वभाव की निंदा की। तो माया तो निंदा के पात्र है, इसलिए कभी साधु के मुख से कुछ निंदा किसी व्यक्ति के स्वभाव की निकल जाए तो व्यक्ति का निंदा नहीं मानना चाहिए। लेकिन यह एक भिन्न बात है क्रोध। तो कहते हैं इसके ऊपर विचार किया, हेतु किम ननु इति, क्या ये है क्या नहीं, इसकी निशा समाधि है। क्रोध उतरने के बाद पता चला, इसी से हम लोग को ये शिक्षा लेना चाहिए ना? क्रोध में आकर के तत्काल कोई कार्य संपन्न नहीं कर लेना चाहिए, थोड़ा ठंडा होने देना चाहिए क्रोध को। हमारा क्रोध ठंडा हो जाएगा तो उसके ऊपर विचार आता है, इससे तत्काल कोई एक्शन न ले, या क्रोध के बस में आकर के तत्काल कोई कार्य न कर दे, अन्यथा व्यक्ति को पछताना पड़ता है। कई बार देखा जाता है क्रोध के कारण व्यक्ति अपनी पत्नी के ऊपर क्रोधित हो गए और घर का सारा बर्तन फोड़ तोड़ दिया, लेकिन बाद क्रोध उतरने के बाद तो लाना पड़ेगा बर्तन। खैर वो विचार यहाँ पर हम विराम देते हैं, क्योंकि देखिए आपका समय ठीक एग्जैक्ट समय हो रहा है, आपका कुछ प्रश्न है तो उनके लिए कल इसी टीका से हम प्रारंभ करेंगे। और फिर बहुत सुंदर जो उन्होंने वर्णन किया है, जिसका प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में कुछ एक वर्णन किया है कुछ एक नहीं किया है, इसलिए हम उन कोट किया श्री विश्वनाथ ठाकुर के अनुसार ये योजना भगवान की इच्छा से बनी थी। भगवान की इच्छा से निराशा की स्थिति उत्पन्न हुई थी, ये उन्होंने लिख दिया शॉर्ट में, लेकिन यहाँ विस्तार से कुछ विचार है, इनको हम कल इस श्लोक से प्रारंभ करेंगे 31 नंबर से, और फिर उनको हम लोग उनके ऊपर विचार विश्वनाथ ठाकुर का विस्तार से लेंगे और हमको मिलने वाली शिक्षाओं को भी हम कल ग्रहण करेंगे। हरे कृष्ण। अब आप लोग का कोई प्रश्न है तो आप लोग रख सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत धन्यवाद, आपको बहुत अच्छी तरह समझाया। लेकिन एक प्रश्न आता है
कि जब ये क्रोध आता है तो उससे पहले हम कैसे थिंक कर सकते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी ने कुछ किया उससे हमें क्रोध आने क्रोध से आ गया, किसी पूर्व ने कुछ किया फिर उससे हमें क्रोध आ गया, तो फिर हम तभी जब ही क्रोध आया है तभी कैसे सोच सकते हैं कि अभी क्रोध नहीं करना चाहिए। नहीं सोच सकते उस टाइम, थोड़ी देर रुकने के लिए भी बोला, भक्तों को रुक जाना है, उनको ठंडा हो जाने के बाद, क्योंकि हम त्रिगुणातीत नहीं है, उनको ठंडा हो जाने के बाद फिर उनके ऊपर विचार, जैसे महाराज ने विचार किया, वहीं से मैंने एक शिक्षा के रूप में ये बात बताई कि भक्तों को चाहिए कि सडनली कोई एक्शन न ले, उसके ऊपर विचार। तो विचार कब आएगा? जब क्रोध ठंडा होगा तब बुद्धि विचार करेगी कि मेरा क्रोध ठीक है कि नहीं है। प्रभु जी फिर क्रोध विचार किया कि ठीक है या नहीं ठीक है, पर अंदर तो वो बैठा रहेगा ना, बाहर निकलेगा नहीं क्रोध। देखिए, क्रोध जब बाहर निकलता है तब सत्यानाश होता है, वस्तु तो पहले बुद्धि को नाश कर देता है, इसलिए बुद्धि ठिकाने लगाने के लिए माताजी पहले क्रोध को शांत होने देना चाहिए और तब बुद्धि ठीक होगी, विचार युक्त बुद्धि होगी, ये मैं कह रहा हूं। तो भले ही अंदर रहे लेकिन ठंडा हो जाएगा अंदर अंदर, एक्शन ले लिया तो हो गया, बस खत्म, वो तो कार्यक्रम फिनिश हो गया, एक कर्म का बंधन हमको लग गया कि हमने हमारे निमित्त क्रोध किया है, भक्ति के निमित्त क्रोध युक्त है। अगर कोई व्यक्ति को कुछ शिक्षा के लिए, जैसे मान लीजिए चैतन्य चेतावनी वर्णन है कि वो श्रीनिवास की पत्नी जब उन घी की कटोरी कमवा ले गया, तो आपने पढ़ाया कि नहीं पढ़ा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं पाठ किया हूँ इस सब, तो वो मालती माता उनकी पत्नी नित्यानंद प्रभु को बता रही है कि देखो ये कटोरी कौवा ले गया तो श्रीवास प्रभु बहुत गुस्सा करेंगे, इतना गुस्सा करेंगे हाँ? तो कृपा करके वो कटोरी वापस ला दीजिए। और नित्यानंद प्रभु ने किया, वो तो सबके चित्त में बैठे हुए, क्योंकि वो साक्षात बलराम है, उन्होंने उन कव्य को आदेश दिया, कटोरी छोड़ गया। लेकिन कहने का अर्थ, भक्त को भी क्रोध आता है, कब? जब भगवत भक्ति में बाधा होती है या कोई व्यक्ति बाधा देता है, उनकी भक्ति को बाधित करता है, या कोई दूसरे की भक्ति या भगवान का निंदा करता है, उस टाइम क्रोध करना उचित है, इसी से क्रोध का नियंत्रण होगा। भगवत देशी जने क्रोध, ऐसा प्रेम भक्ति चंद्रिका में श्री नरोत्तम दास ठाकुर, भगवान के देशियों के प्रति क्रोध को लगाना उचित है, क्योंकि वहां क्रोध लगेगा तो हमारे चित्त में वो क्रोध जो है ना वो मित्र का काम करने लगेगा। अर्थात क्रोध होते हुए भी व्यक्ति को समझ आने लगेगी क्रोध है? लेकिन उन क्रोध को जब जितना उन भक्तों के द्वेषी और भगवान के द्वेषी के प्रति जितना क्रोध होगा, उससे एक बुद्धि निर्माण होगी हमारे चित्त में, हमको क्रोध आता है उसी टाइम क्रोध के साथ विचार भी रहता है कि ये ठीक है कि नहीं है, आपका उत्तर भी इसमें आ गया, ठीक है बता? हरे और कृष्ण किसी प्रभु को जी, जिज्ञासा थैंक है? यू वेरी मच। आर देयर एनी अदर क्वेश्चंस? काइंडली अनम्यूट एंड आस्क। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी यस प्रभु जी, प्रभु जी एक क्वेश्चन है। आपने आपका तात्पर्य बताया, जय सुखदेव व्यास देव जी ने ये भागवत हमको लिखा नहीं था, वो शौनक और सुत गोस्वामी का वार्तालाप के बाद ही लिखा, लेकिन हमने जो उसे पढ़ा है, जय व्यास देव जी ने सारे पुराण महाभारत लिखा, इसलिए चार वेद लिखा, फिर सारे उपनिषद लिखा, सब कुछ लिखा, अल्सो उनका मन में संतुष्ट नहीं हुआ, फिर नारद जी के कृपा से उन्होंने भागवत हमको लिखा, लिखने के बाद वो संतुष्ट हुए, फिर इसके बाद उन्होंने सोचे मैं किसको सुनाऊं ये भागवत, तो उन्होंने अपने पुत्र को सुनाया, अपने फिर पुत्र ने फिर परीक्षित लिखा नहीं महाराज था सुनाया। उस टाइम, लिखा नहीं था, मौखिक था प्रभु जी,
उन्होंने अपने जो सुनाया अपने मुख से सुनाया, लिपिबद्ध नहीं किया था। अच्छा 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 हाँ, ध्यान देने वाली योग्य बात है। सुखदेव गोस्वामी पाठ को जब उनके शिष्य के द्वारा वो अहो बकियम स्तन काल कुटम वो श्लोक जब समाधि तोड़ दिया सुखदेव जी का, तो उनको पूछा कि कहाँ से सीखा है। बोलते वेदव्यास महाराज ने ऐसे अनेक श्लोक लिखे, एक नहीं। बोले चलो चलो चलो, मैं भी सीखूंगा इस संहिता को, क्योंकि ये तो दिव्य वस्तु है जो मेरे आंतरिक समाधि को तोड़ दिया है ना। तो वो समाधि को तोड़ने वाला श्लोक अद्भुत है। ऐसा करके वो उनके पीछे चल करके वेदव्यास महाराज पास आ गए, और आ करके उन्होंने उनसे कहा कि पिताजी हमें वो संहिता का पाठ कराइए। तब उन्होंने उनको श्रवण कराया, लिखा नहीं था। ठीक अच्छा है, लिखा है। अच्छा अभी प्रभु जी, बताइए अभी क्या प्रश्न। ओके। और अन्य क्वेश्चन हो प्रभु जी, ब्रह्मर्षि और राजर्षि इसमें क्या डिफरेंस है? ब्रह्मर्षि उनको कहते हैं कि जो उन सब कुछ छोड़ करके केवल ब्रह्म का चिंतन में जो लगे रहते हैं उनको ब्रह्मर्षि बोलते हैं। राजर्षि उनको कहते हैं कि राजा प्लस ऋषि, राजा होकर के भगवान का भक्त होता है, उनको भी राजर्षि कहा जाता है। क्योंकि ब्रह्मर्षि और राजर्षि में कहते हैं राजर्षि में यही अंतर है कि एक सब कुछ राज्य का कारोबार संभालता हुआ, अपनी प्रजा को भगवत भक्ति सिखाता हुआ, वो राज्य पर सब कुछ चलाता है भगवान की कृपा से। तो कहते हैं उन ऋषि जैसे ही वो कार्य करते, क्योंकि ऋषिगण भी ब्रह्म का उपदेश देते हैं और ये भगवत भक्ति सिखाते हैं। वर्णाश्रम धर्म में व्यवस्था, वर्णाश्रम धर्म की पालन की व्यवस्था देते हुए, और नहीं पालन करते उनको दंडित करते हुए, वो प्रजा का शासन करते हुए भगवत भक्ति सिखाते हैं, इनको राजर्षि बोलते हैं। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु। और कोई जिज्ञासा है? और आप किसका कोई पूछिए प्रश्न है? प्रभु जी। हाँ नो क्वेश्चन फ्रॉम हियर, नो हाँ क्वेश्चन ठीक है, बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, नहीं है कोई भी प्रश्न? अच्छा कोई भी प्रश्न नहीं, ओके ठीक है। तो ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्रभु जी का क्लास। अभी प्रभु जी हमारे साथ है, हम उनके साथ है, सब भागवत का श्रवण कर रहे हैं। कल भी हाउस प्रोग्राम है, तो हम वही कंटिन्यू करेंगे। फिर प्रभु जी आप देखना पब्लिक के हिसाब से, क्योंकि न्यू ऑडियंस है, सब नया लेकिन लोग है। मेरा एक प्रश्न है, हाँ बोलिए प्रभु जी। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो ये श्रोता बैठे हुए हैं, तो उन हाँ लोग को इस प्रकार भागवतम पसंद है कि मैं थोड़ा टीका में नहीं जा करके भागवतम पाठ करूं? आप दो में से आप पसंद क्या करते हैं, इस प्रकार विशद वर्णन सुनना चाहते हैं, या फिर उनको एक एक चीला चालू ढंग से मैं प्रस्तुत करके निकलूं, ऊपर ऊपर उपदेश, या उससे ये समझिए कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि इत्यादि लेकर के मैं उनको उस टीका में जाऊं? आप क्या चाहते हैं, श्रोता की इच्छा क्या है, वो मैं जानना माता जी चाहता हूं। कृपया मतलब आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम लोग तो नोविस है, आप जो भी बोलेंगे हम हमारे लिए नया ही होएगा। ये ऑडियंस अभी वी आर नॉट इनिशिएटेड, हम स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो हमें जिज्ञासा है सब कुछ सुनने के लिए। तो आप जैसा न्यू ऑडियंस के लिए बोल सकते हैं वैसा आप बोलिए, पर आप जो बोल रहे हैं वो भी हमें समझ आता है। ये टीका भी आप सुना रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग आवर नॉलेज। सो प्रभु जी, आप जैसे कर रहे हैं वो ठीक है, पर आप अगर थोड़ा लो कर सकते हैं फिर भी ठीक है। ओके थैंक यू वेरी मच हरे माता, थैंक कृष्ण यू। प्रभु जी, कल मैं थोड़ा हरे लो हरे करके जाऊंगा, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण, ठीक है, हरे थैंक यू कृष्ण। प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण, आज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री जय प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि ब्रह्मानंदे। प्रभु जी। एक मिनट मैं थोड़ा चला तो, हरे कृष्ण प्रभु जी, एक मिनट प्लीज।
हम लोग एक फॉर्मेलिटीज है ताकि हम थोड़ा ग्लोरिफिकेशन करते हैं हमारा गेस्ट स्पीकर जो होते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब लोग को, सभी जो भक्त लोग इधर जूम क्लास में ज्वाइन किया है 10-11 लोग, प्लीज आप लोग अपने अपने स्विच मोबाइल को ऑन कीजिए, ऑडियो ऑन कीजिए और प्रभु जी के लिए ग्लोरिफिकेशन करिए हरे कृष्ण मंत्र से। सब लोग में करिए प्लीज, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। और अच्छा होगा आप लोग सर सब वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा है। हरे कृष्ण। तो हम प्रभु जी के लिए ग्लोरिफिकेशन किया और वांछा कल्पतरुर्वेश्य कृपा सिंधुभ्य वितनम पावन भूयो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रेस गुडा केस प्रभु जी की जय। हरि बोल हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण।